I'm Rajendri from Suraj School, Rewari. Today in this video, we will discuss chapter 8 of Beehive. The name of the chapter is Reach for the Top. And today we will discuss part 1, Santosh Yadav. It is also written by Santosh Yadav. Now, look at the title of the chapter, Reach for the Top. So here, we have to discuss Santosh Yadav kaise pahunchi. कहाँ पर पहुंची, रिच फॉर द टॉप, टॉप पर कैसे पहुंची, ऊंचाइयों पर कैसे पहुंची, किस चीज ने उसको इतना मोटिवेट किया, क्या चीज थी जिसकी वजह से वो इंस्पायर होकर के और एकदम ऊंचाई पर पहुंची. तो जानिएगा इस लेसन के अंदर. सो लेट्स रीड द लेसन. द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वॉज बोर्न इन अ सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग. अब क्या कहा इस स्टैंजा के अंदर कि ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की केवल एक अकेली महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, और एक बार नहीं दो बार चढ़ी थी, वो उसका जन्म एक ऐसी सोसाइटी में हुआ जहां गर्ल के जन्म को ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता था, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता था, ब्लेसिंग्स नहीं समझा जाता था, ठीक है, हालांकि कर्ज भी नहीं समझा जाता था, पर यह भी बहुत ज्यादा उसका वेलकम भी नहीं किया जाता था. व्हेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, अ ट्रेवलिंग हॉलीमैन गिविंग हर His blessings assumed that she wanted a son. जब संतोष यादव की मदर एक्सपेक्टेड थी तो एक ट्रेवलिंग होलीमैन आए. होलीमैन होते एक सेंट, साधु जो ट्रेवल करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं यहाँ वहां. वो आए और संतोष की जो मदर थी उस समय एक्सपेक्टेड थी, तो उसने ये सोचा कि शायद उसे एक बेटे का आशीर्वाद दूं तो उसे खुशी होगी, उसे पसंद आएगा, ये सोच करके उसने उसको आशीर्वाद दिया. एंड टू एवरीवन सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, लेकिन सभी ये सुनकर देख करके हैरान हो गए कि उस अनबॉर्न चाइल्ड की जो ग्रैंड मदर थी वो नियर बाय खड़ी थी. उसने जब ये कहा, हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो क्लोज ही खड़ी थी संतोष की मदर के, उसने जब ये कहा कि हमें दे डिड नॉट वांट अ सन, कि हमें सन नहीं चाहिए, दे होलीमैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, सभी सरप्राइज हो गए और होलीमैन भी सरप्राइज हुआ. नॉटलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, लेकिन कोई बात नहीं, उसने जो मांगा उसको वो ब्लेसिंग उसने दे दिया, आशीर्वाद बेटी होने का. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और क्योंकि जैसा कि भाग्य को ये मंजूर था, उसका जो आशीर्वाद था वो फलीभूत हुआ और एक बेटी हुई, ठीक है, और बेटी जो हुई संतोष यादव का जन्म हुआ, सिक्स्थ चाइल्ड इन अ फैमिली एंड फाइव सन्स, ये उस परिवार की छठे नंबर की बच्ची थी, और इससे पहले इसके फाइव सन्स भी थे. आर सिस्टर टू फाइव सन्स, तो पांच भाइयों की ये एक इकलौती बहन थी. शी वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, तो इसका जन्म हरियाणा की जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है उसी का एक छोटा सा गाँव जोनियावास, जो आपके स्कूल के नियर बाई है, वहीं पर इसका जन्म हुआ. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, और संतोष का जो नाम था वो संतोष रखा गया, और संतोष का मतलब है कंटेंटमेंट, मतलब सेटिस्फेक्शन, जिसको पा करके वो उन्हें संतुष्टि हो गई थी, सेटिस्फेक्शन हो गई थी कि अब उनकी फैमिली जो है कंप्लीट हुई. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, लेकिन संतोष अपने जो ये ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ था उससे कंटेंट नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उनका जीवन को ही पुराने तरीके से चला जा रहा था. सी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, अब बचपन से ही उसने अपने जीवन को अपने ही टर्म्स पर जीना स्टार्ट कर दिया. वेयर अदर गर्ल्स वर वोर ट्रेडिशनल ड्रेसेस, जहां पर अदर गर्ल्स ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, संतोष शॉर्ट्स पहनती थी, शॉर्ट्स मतलब पैंट निकल जो बॉयज पहनते हैं वैसे कपड़े पहनती थी. लुकिंग बैक, संतोष जब पीछे मुड़ करके देखती है तो कहती है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, संतोष ने खुद ही जब लिखा है तो संतोष कह रही है कि फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही मैं बहुत ही डिटरमाइंड थी. एंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट वे, और वो क्या कहती है कि यदि मेरा रास्ता सही है, करेक्ट है और रैशनल पाथ है मेरा, तो अदर्स अराउंड मी हैव टू चेंज फॉर मी, तो मेरे आसपास जो लोग हैं वो चेंज होंगे, मैं अपना इरादा, अपना गोल, अपना लक्ष्य उसको चेंज नहीं करूंगी, अपना रास्ता नहीं बदलूंगी. संतोष पेरेंट्स वर अफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स, अब संतोष के जो पेरेंट्स थे वो अफ्लुएंट लैंड ओनर थे, मतलब बहुत बड़े जमींदार थे, जो अपने बच्चों को भेज सकते थे अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए. इवन कंट्रीज कैपिटल, यहाँ तक कि कंट्री की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो हरियाणा की बिल्कुल क्लोज है, वो वहां पर भी चाहते तो अपने बच्चों को भेज सकते थे, ठीक है, बट इन लाइन विद द
प्रीवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन क्योंकि परिवार के अंदर जो कस्टम चली आ रही है, रीति रिवाज जो चली आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए संतोष हैड टू मेड मेक टू डू विद लोकल विलेज स्कूल. संतोष को लोकल विलेज स्कूल में ही पढ़ने के लिए भेजा गया. सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. इसलिए उसने डिसाइड किया वो इस सिस्टम से अपने ही तरीके से फाइट करेगी और शांतिपूर्ण ढंग से उससे करेगी. व्हेन द राइट मोमेंट अराइव, जब समय आएगा, सही समय जब आएगा, एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16. और सही समय आया, और सही समय कब आया, जब वो 16 इयर्स की हुई, 16 साल की जब वो हुई. एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड. 16 साल की उम्र में ज्यादातर लड़कियां उसके गांव की उनकी शादी हो जाया करती थी. संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम. संतोष भी अपने पेरेंट्स की तरफ से उसके ऊपर प्रेशर था कि वो भी ऐसा ही करे, मतलब शादी कर ले 16 साल की उम्र में. मैरिज एज अर्ली दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड. शादी इतनी जल्दी, शादी तो उसके दिमाग में सबसे बाद का कार्य है जब वो अपना करियर सेट कर ले उसके बाद का. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उसने अपने पेरेंट्स को threaten किया, means धमका दिया कि यदि वो जबरदस्ती करेंगे उसकी शादी करने की तो वो जिंदगी में कभी शादी नहीं करेगी जब तक कि वो अपना करियर सेट ना कर ले. उसके बाद से लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली. उसने घर छोड़ दिया और उसने अपना एडमिशन दिल्ली के एक स्कूल में करवा लिया. व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज्ड टू पे फॉर हर एजुकेशन, जब उसके पेरेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया कि उसकी एजुकेशन का खर्चा वो नहीं देंगे, तो शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम. तो उसने बड़े ही पोलाइटली इन्फॉर्म किया अपने पेरेंट्स को ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम. उसने अपना प्लान बताया कि यदि वो स्कूल की फीस नहीं दे रहे तो वो स्कूल के बाद पार्ट टाइम जॉब करेगी, पैसा कमाएगी और अपने स्कूल की फीस खुद ही अरेंज कर लेगी. हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन. तो उसी बात पर पेरेंट्स जो है एग्री हो गए उसकी स्कूल फीस देने के लिए. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कर लिया, 4 पैसेजेस हमने कर लिए हैं. रेस्ट ऑफ द पैसेजेस वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन रीड दिस चैप्टर थॉरली. टेक केयर, स्टे होम.